हर हर महादेव। एक इंदु मुंद्रा जी हैं राजस्थान से, उन बहन का बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वे पूछ रही हैं, क्या सुवासिनी स्त्री, सौभाग्यवती स्त्रियां तुलसी माला से जप कर सकती हैं क्या? तो देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सौभाग्यवती माता बहन को तुलसी की माला से जप नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास आनिक सूत्रावली है, तो आनिक सूत्रावली में तुलसी पूजा की विधि में कह रहे हैं कि 108 परिक्रमा या 7 परिक्रमा तुलसी जी की माताओं को लगानी चाहिए। तो वो माला गिने किससे 108 कर रही है, तो तत्र सुवासिनी भी संख्या ज्ञानार्थम स्फटिक धात प्रवाल मण्यादीना माला ग्राह्या। सुवासिनी स्त्रियों को 108 परिक्रमा गिनने के लिए माला स्फटिक की या जो है प्रवाल की या मणियों की या धातु इत्यादि की मालाओं को रखना चाहिए, परंतु गतभर्तृका भिस्तु तुलसी काष्ठ माला, और जो विधवा माताएं हैं वे तुलसी की माला पर तुलसी की परिक्रमाओं को गिने या जप करें। तो माता बहनों को सावधान रहना चाहिए, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वे तुलसी की माला पर जप न करें, और जो विधवा माता हैं वे तुलसी की माला पर जप करें। ऐसा कर्मठ गुरुकार ने भी अपनी तुलसी पूजा की विधि में टिप्पणी में उन्होंने भी ऐसा लिखा है, और यहाँ भी अनेक सूत्रावलीकार भी ऐसा कहते हैं। हर हर महादेव।